वेलकम टू सरव व्लॉग्स। फिर से आ चुके हम लोग फार्म्स पे। लास्ट व्लॉग में हमने एक ओवरऑल आउटलुक देखा था चीज़ों का। इस व्लॉग में कुछ डीपली चीज़ें कैसे बनी हैं, क्या क्या मटेरियल यूज़ हो रहा है, क्यों वो मटेरियल यूज़ हो रहा है, इन सब चीज़ों पर बातचीत। सबसे पहले हम लोग क्या देखने वाले हैं कि जो हम डंप मैनेजमेंट लास्ट में समझे थे वो एक्चुअली वर्क कैसे करेगा। ये सारे फार्म के दोनों तरफ में ऐसे नीचे देख सकते हो, ऐसे हमने नाली फॉर्म में बना दिया है। यहाँ से सारा सामान इकट्ठा होगा दोनों साइड से और इस तरीके से बिल्कुल शेड के एंड पे आ गए हम लोग। यहाँ पे सारा जो भी वेस्ट है वो इसमें जाएगा, इस जगह में जाएगा। अब आगे चल के देखते हैं कि ये जगह आगे कैसे कनेक्ट होगी डंप के साथ। अभी यहाँ पे बस थोड़ा सा लास्ट वाला कंस्ट्रक्शन रह गया है। ये देखो सेंटर से आपको बिल्कुल क्लियर लुक आ जाएगा। इस तरीके से बिल्कुल एंड है ये शेड का और दोनों तरफ से ही आके सारा वेस्ट यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा इस कॉर्नर में। एंड देन अभी फ़िलहाल इसको हमने टेम्पररी डंप के साथ, जो सेकेंड डंप था उसके साथ हमने इसे कनेक्ट कर दिया। दो दिन से जो भी वेस्ट वगैरह है वो इसी डंप में कलेक्ट हो रहा है। लास्ट टाइम हमने देखा था डंप बिल्कुल छोटा सा दिख रहा था। अब आप अगर इसको देखोगे पूरा काफ़ी शेप ले चुका है हद तक। एंड ये जो नीचे आपको क्रैक्स दिख रहे हैं ये इस वजह से यहाँ पे पानी जा रहा है दो दिन से। और बड़े डंप में हम नीचे चल के देखते हैं, समझते कि डंप को एक्चुअली बनाया कैसे जाएगा। सब चीज़ों को देखते आ जाओ। तो ये बड़े डंप के हम बिल्कुल बेस पर आ चुके हैं। अभी जो पाइपलाइन है वो तो छोटे से ही कनेक्ट हुआ है। बड़े डंप में सबसे पहले काम होने वाला है, पूरा डंप कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर जो भी वाटर सप्लाई है उसको शिफ्ट किया जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे अराउंड तो आपको लगेगा काम क्या रह गया इसमें, बट एक्चुअली होगा क्या, जब यहाँ पे पानी एड ऑन किया जाएगा ना तो ये जो साइड की सूखी मिट्टी है ये भीगेगी और नीचे की तरफ गिरना शुरू कर देगी। अपने को वो नहीं चाहिए, इसलिए होगा क्या, यहाँ पर सारी जो भी बाउंड्री है ना, इस टोटल बाउंड्री में ईंटें लगेंगी, ईटों का एक बाउंड्री बन जाएगा। एंड उसके बाद ये डंप को यहाँ से जो रास्ता दिख रहा है आपको बनाया गया, ये पूरा ऊपर तक लेवल होके बंद हो जाएगा। यानी कि डंप इसी शेप में रहेगा आपके अराउंड। और ये वाला जो रास्ता है ये बेसिकली रास्ता छोड़ा गया है ताकि जो भी ईटे सीमेंट वगैरह आएगा इसको बनाने के लिए वो ऊपर से लाना सीधा मुश्किल होता, तो ये पाथ बन गया। बाकी जब ये हो जाएगा डंप नीचे से बनके शेप ले लेगा, उसके बाद ये वाला पाथ बंद हो जाएगा। ये सारा यहाँ से मिट्टी डल के ऊपर तक लेवल करके एक जैसा बनाते हैं। और ऊपर से समझाती हूँ, ऊपर से क्या होगा, यहाँ पे बैक से दिखाओ, यहाँ से देखो ये जो आपको डंप की बाउंड्रीज दिख रही है ना, यहाँ तक क्या होगा, मिट्टी डल के बंद हो जाएगा ये सारा। उसके बाद जो पशु हैं वो खुले रहेंगे जब ये सारा काम वगैरह बंद हो जाएगा, इसीलिए वो यहाँ पर ना आ जाए, डंप में ना गिर जाए। तो यहाँ पूरी फेंसिंग होगी, फेंस होके डंप वाला एरिया उधर रह जाएगा और शेड वाला मेन एरिया अपना इधर रह जाएगा। यहाँ पे देख रहे हो जो भी हमने उस दिन भी देखा था ये चीज़ें, जो मिडल वाला हमारा एरिया है वो अभी सारा बनने वाला पेंडिंग है। जो खुरली है जहाँ पे बेसिकली फीड डलेगी वो दोनों तरफ तैयार हो चुकी है पूरा सीमेंट लग के। जो बीच वाला एरिया है इसमें अभी बेसिकली सीमेंट का एक लेयर होगा, वो भी पेंडिंग। अच्छा थोड़ा हम छत भी समझ सकते हैं। छत आप देख रहे हो हमने रेगुलर लेंटर डाल के या फिर जो आम शेडो में यूज़ होते हैं टीन के, वो टीन की जो छत होती है जनरली वो होती है, पर अपन लोगों ने ना तो टीन की छत यूज़ की है ना लेंटर यूज़ की। देखो टीन की छत का मेन प्रॉब्लम क्या रहेगा कि टीन की छत में हीट रेजिस्टेंस नहीं होता, तो वो गर्मी आती है नीचे तो शेड पूरा तपता। इस वजह से हमने बैम्बू यूज़ किया, लेंटर इसलिए नहीं यूज़ किया, वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा चला, तो कॉस्ट एफिशिएंट रखने के लिए बैम्बू यूज़ किया हुआ है। ये जो वर्टिकली लंबी पाइप देख रहे हो ये बैम्बू को बेसिकली सपोर्ट देने के लिए यूज़ हुआ, क्योंकि बैम्बू अपने में कमज़ोर होगा तो वो इतना वेट नहीं ले पाएगा, सपोर्ट चाहिए उसको खड़े होने के लिए। तो ये लंबी वर्टिकल लाइन है, इसको भी लोहे के फिर गार्डरों से क्या किया गया, सपोर्ट किया गया ताकि वेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाए सारे शेड का। एंड इसके ऊपर ये जो आप बैम्बू के बीच में देख रहे हैं ये सर नाम का एक पौधा होता है, यहाँ पे वो लग गया है, वो डल गया, उसकी लेयरिंग है पूरी। उसके बाद टॉप से भी देखते हैं जो हमने मिट्टी की लेयरिंग से शेड को कवर किया हुआ है, फिर वहाँ से समझेंगे चीज़ें। ये देख लो ये इस तरीके से जा रहा है यहाँ से पानी छोटे शेड में, पाइपें दिख रही है ना। अब ये सारा जब काम कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे प्रॉपर एक पाथ बन जाएगा डिस्पोज ऑफ होने का चीज़।
आओ अब दूसरा देखते हैं अपन ऊपर से छत को। छत थोड़ा रुक के देखेंगे अभी, अभी जैसे लिपाई का काम हो रहा है इन लोगों ने अभी ऊपर वाले रास्ते पे। मैं आपको यहीं से समझा देती हूँ क्या हुआ है। बैम्बू डल गया सबसे पहले, उसके बाद वो जो सर पौधे की हमने बात की वो वाले पौधे की एक क्लियरिंग हो। अब द थिंग इज कि फिर भी ये चीज़ों को होल्ड क्या करता, ठंडक क्या पहुंचाता, तो उस चीज़ के लिए पूरी छत पे मिट्टी की लेयर बनाई गई, पूरी मोटी पूरा मिट्टी बिछा दी गई है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये था कि अगर मिट्टी को वैसे ही छोड़ देते तो बारिश में मिट्टी वॉश होती, फिर दिक्कत। तो वो वॉश ना हो इसीलिए लेप बनाया गया है मिट्टी का। इसमें होगा क्या, जो ऊपर मिट्टी डली है ना पूरी लेयर, उसके ऊपर ये पांडा मिट्टी है और साथ में तूड़ी मिला के एक लेप सा बना दिया गया है, इससे प्रॉपर लेपाई हो जाएगी। वो देखो उधर मिला रहे हैं, वो भर भर के अभी ऊपर लेके जा रहे हैं। वो हो जाता है शाम तक काम, फिर अपन उसका भी एक लुक देख लेंगे कि कैसा दिख रहा है। बेसिकली ये काम क्या करेगी कि जो भी मिट्टी का लेयर है ना उसको वॉश आउट होने से बचाएगी, बारिश वगैरह या हवा वगैरह जब चलेगी तो मिट्टी उड़ेगी नहीं इस लेप की वजह से। जब ये लेप हो जाएगा, सूख जाएगा, तो हम ऑब्जर्व कर पाएंगे कि इसमें छोटे छोटे क्रैक्स पड़ जाएंगे क्योंकि पानी निकलेगा मिट्टी में से जो भी ये लेप हुआ है। एंड एंड ऑफ द डे एक दो महीने के बाद ये फिर से होगा सारा लेप, एंड बहुत पतली लेयर का होगा ताकि वो क्रैक्स एंड ऑल ना पड़े। तो इस तरीके से प्रॉपर छत तैयार हो जाएगी जो कि बिल्कुल गर्मी से रेजिस्टेंट होगी। यानी कि शेड में अगर मैं आपको बता पाऊँ, इस टाइम जो माहौल है एकदम कूल कूल माहौल है, बिल्कुल भी गर्मी वाला माहौल नहीं है। यही अगर हमने टीन की छत बनाई होती तो इस टाइम ये शेड गर्मी की वजह से तप रहा होता बहुत ज़्यादा। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान में रख के हमने चीज़ों को कंस्ट्रक्ट किया है। अभी भी फाइनल लुक तक पहुँचने से चीज़ों के हम बहुत दूर हैं, पर इसी तरह हर वीडियो में थोड़ी थोड़ी जर्नी समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये प्यारा सा प्रोजेक्ट बना। मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।